हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? जे बेसिकली दिस ज्वाइन रिटर्न ऑल रो ऑफ द टेबल ऑन लेफ्ट साइड। बेसिकली लेफ्ट साइड वाला ये जो टेबल है इसके सारे रो को रिटर्न करेगा एंड मैचिंग रो फ्रॉम टेबल टू राइट साइड, और मैचिंग रो जो राइट साइड में है उसके मैचिंग रिकॉर्ड को हमको देगा। द रो ऑफ विच देयर इज नो मैचिंग रो साइड, बेसिकली मैचिंग ऑन राइट साइड, द रिजल्ट सेट विल बी कंटेन नल। अगर जो रो मैच नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, हमको रिजल्ट में बाकी फील्ड को क्या कर देगा, नल कर देगा। लेफ्ट ज्वाइन इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, बेसिकली सेलेक्ट सेलेक्ट किए कॉलम वन डॉट टेबल वन, कॉलम टू डॉट बेसिकली टेबल टू, टेबल टू, टेबल टू डॉट कॉलम वन, इस तरह से बेसिकली अगर फ्रॉम टेबल वन टू लेफ्ट ज्वाइन टेबल टू ऑन मैचिंग कॉलम, बेसिकली कौन से इस फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल में मैचिंग कॉलम है उसको लगाएंगे। टेबल वन क्या है, हमारा फर्स्ट टेबल है, टेबल टू क्या है, सेकंड टेबल है, मैचिंग कॉलम क्या है, कॉलम मैच ऑफ द बोथ टेबल। अगर इस चीज को हमको लगा के देखना है तो हम आते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक आध रो और भी थोड़ा सा इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। जैसे जे यहाँ पर जो नॉन मैचिंग हुआ, जैसे जे 11 वाला होगा या 12 हो गया, दो नॉन मैचिंग हो जाएगा, और मैं इसके नाम को मैं चेंज कर देता हूँ और एक का एज भी मैं कम कर देता हूँ और एक का, अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ पहले टेबल में अपने ऐड कर दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ यहाँ पर लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्वेरी। कैसे लिखेंगे उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट, कौन से टेबल से लगाना है, स्टूडेंट से लगाना है, स्टूडेंट के कौन कौन से फील्ड हमको लेने हैं। स्टूडेंट को फील्ड को लेने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल के कौन से फील्ड को लेना है, स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं। अभी मैं तीन चीज में लगाता हूँ। साथ में हमको क्या करना होगा, जो हम दूसरे टेबल को उठाते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, उस टेबल का नेम डॉट कॉलम नेम, यहां से मैं लगा दिया नेम डॉट कॉलम नेम। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन लगाना था, लेफ्ट ज्वाइन यहां लिखूंगा, लेफ्ट ज्वाइन लिख सकते हो या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दो। किससे आपको लिखाना है, स्टूडेंट कोर्स से लगाना है, स्टूडेंट कोर्स से मैं लगा दिया। अब इसमें से मैचिंग कॉलम कौन सा है ऑन, तब स्टूडेंट टेबल से मैचिंग कॉलम कौन सा है हमारा, तो मैचिंग कॉलम हमारा है डॉट आईडी इक्वल टू, अगर बात करें स्टूडेंट कोर्स का तो स्टूडेंट आईडी क्या होगा, डॉट स्टूडेंट आईडी हमारा क्या होगा, इसमें मैचिंग कॉलम होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फ्रॉम, बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा सजा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो बेसिकली हमारा लगा, अब सेकंड टेबल से भी आपको कौन सी वैल्यू उठाना है, तो मैं क्या करता हूँ सेकंड टेबल से स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या सप्लाई करना पड़ेगा हमको, स्टूडेंट टेबल का, स्टूडेंट कोर्स टेबल का नाम यहाँ पर मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इसको डाल दिया। अब मैं इस क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमको सारा रिकॉर्ड दे दिया, लेकिन लेफ्ट वाले क्या क्या कीजिए, हमको सारा रिकॉर्ड दिया लेकिन जो कॉलम मैच नहीं किया वहां पर हमारा क्या सप्लाई किया, नल सप्लाई किया। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, यही चीज तो कह रहा है यहाँ पर, दिस ज्वाइनिंग रिटर्न ऑल रो ऑफ टेबल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ज्वाइन एंड मैचिंग रो फ्रॉम टेबल ऑन राइट साइड ऑफ ज्वाइन, द रो ऑफ द विच देयर इज नो मैचिंग रो रो ऑन राइट साइड, द रिजल्ट सेट विल बी नल। बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा, नल आएगा। और बेसिकली हमारा लेफ्ट ज्वाइन ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन को बेसिकली हम क्या कहता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहा जाता है एसक्यूएल के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा कुछ इस तरह से लेफ्ट आउटर ज्वाइन का हम क्वेरी बनाते हैं।